मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर सेकंड फन एट द फार्म सेकंड चैप्टर कवर करेंगे हम. फन मीन्स क्या होता है? मस्ती, मौज मस्ती. एट द फार्म, फार्म पर मौज मस्ती करना. गेट रेडी, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे. आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, एक में क्या है? लॉयन है. और सेकंड में आपका क्या है? बी. लॉयन है, आई एम ए बिग लॉयन, है ना. लॉयन क्या बोल रहा है? आई एम बिग, मैं बहुत बड़ा शेर हूँ. और बी क्या बोल रही है? मधुमक्खी, आई एम ए बिजी बी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, यानी मैं अपने काम में बहुत निरंतर व्यस्त रहती हूँ. तो मैं क्या हूँ? बिजी हूँ, आई एम बिजी बी. ठीक है, आपको पता है लॉयन कहाँ रहता है? फिल इन द ब्लैंक, इसको भरिए. I live in a, लॉयन क्या कह रहा है? I live in a dash, बताइए. थ्री अल्फाबेट्स भरने हैं आपको, वन टू थ्री दिया है ना, तो आप भरेंगे डेन, डी ई एन. यहाँ क्या रहता है? लॉयन रहता है. और बी कहाँ रहती है? बी बोल रही है आई लिव इन ए हाई. यहाँ फोर अल्फाबेट्स आएंगे, एच आई वी ई. ओके, लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं हम चैप्टर अपना. टुडे इज संडे, आज रविवार का दिन है. रवि एंड पूजा आर गोइंग टू फार्म विद देयर मदर एंड फादर. रवि और पूजा जो हैं, वो अपने फार्म पर जा रहे हैं. किसके साथ जा रहे हैं? अपनी मम्मी और पापा के साथ. दे लिव एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. और वो कब जाएंगे फार्म पे? सुबह के 5 बजे, है ना. दे रीच द फार्म इन द हाफ एन आवर. वह पहुंच जाते हैं हम फार्म पर, करीब आधे घंटे लगते हैं उनको पहुंचने में, और वो फार्म पर पहुंच जाते हैं. देयर आर टू डॉग्स एट द फार्म. फार्म पर क्या है? दो, दो क्या है? डॉग है वहां पर. दे आर कॉल्ड नोनू एंड मोनू. उन्हें क्या, किस नाम से बुलाया जाता है? नोनू और मोनू. दे आर हैप्पी टू सी रवि एंड पूजा. वो दोनों जो डॉग हैं, दोनों वो पूजा और रवि को देखकर बहुत खुश होती हैं. दे स्टार्ट्स बार्किंग. और वो उन्हें देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं, जैसे कुत्ते भौंकते हैं उसी तरीके से वो बार्किंग करना शुरू कर देते हैं. दे सीम्स टू बी सेइंग प्ले विद अस प्लीज. और ऐसा लगता है उनको भौंकते हुए देखकर, ऐसा प्रतीत होता है कि वो कह रहे हैं कि क्या तुम लोग मेरे, हम लोगों के साथ खेलोगे. पूजा और रवि से कहते हैं वो कि क्या तुम लोग मेरे साथ खेलोगे, हम दोनों के साथ, या खेल लो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे. नेक्स्ट पेज पर, रवि एंड पूजा प्ले विद देम. रवि और पूजा क्या कर रहे हैं? उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं. द हॉर्स आर इन द स्टेबल. घोड़े कहाँ है? अपने अस्तबल में है. फार्मर गोपी इज स्लीपिंग इन हिज बेड. और जो किसान है जिसका नाम गोपी है, वो अपने बेड पर क्या होता है? सो रहा होता है. देयर आर काउस एट द फार्म. वहां कुछ गाय भी हैं खेत में, है ना, जैसे गाय ग्रेजिंग करती हैं खेत में, कुछ गाय भी है. दे गिव मिल्क. वो क्या करती हैं? गाय क्या करती है? दूध देती हैं. पापा फिल ए कैन विद मिल्क. पापा जो हैं रवि और पूजा के, वो एक कैन को ना फिल कर देते हैं, भर देते हैं, एक कैन को भर देते हैं. ही कीप्स द कैन इन द जीप. वो कैन को क्या करते हैं? उठाकर जीप में रख देते हैं अपने. देयर आर हेंस एट द फार्म. फार्म में क्या है? कुछ मुर्गियां भी हैं. मुर्गियां क्या करती हैं? एग देती हैं ना, वैसे मुर्गियां भी अपने फार्म में. द हैन लिव इन द कोप. हैन जो है कहाँ रहती है? वो कोप्स में रहती है. दे ले एग्स. और यही मुर्गियां क्या हमें देती हैं? अंडे देती हैं ना, वैसे उनकी मुर्गियां भी अंडे देती हैं. मम्मी पुट्स द एग इन ट्रे. मम्मी क्या करती है? पूजा और रवि की मम्मी सारे एग्स को उठाती हैं और एक ट्रे में रख देती हैं. देयर इज ए बिग पॉन्ड. वहां पे क्या है? एक तालाब भी है, बहुत बड़ा तालाब. इट इज फुल ऑफ फिश. और पूरा तालाब किससे भरा हुआ है? मछलियों से. देयर आर डक्स टू इन द पॉन्ड. और क्या है मछलियों के अतिरिक्त? और क्या है पॉन्ड में? वहां पर कुछ डक्स भी हैं, बत्तख.
The ducklings are very cute. और डक के अतिरिक्त और क्या है, जो उसके छोटे छोटे डक के बच्चे हैं ना डकलिंग्स, वो क्या है, बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं. They are using vegetable garden on the farm. एक वेजिटेबल गार्डन भी है फार्म में, फार्म पर जहां वो गए हैं वहां पर क्या है, एक सब्जियों का बगीचा भी है. मम्मी एंड पूजा पिक ए बास्केट फुल ऑफ पीस. मम्मी और पूजा, रवि की मम्मी और पूजा क्या किया उन्होंने, एक फुल बास्केट मटर तोड़ा उन्होंने, पिक किया, उठाया मटर को. पापा एंड रवि प्लग, पापा और रवि प्लग टमेटोज कैबेज कैरेट एंड रेडिश. क्या क्या उन्होंने तोड़ा वेजिटेबल गार्डन से, टमाटो टमाटर गोभी गाजर और मूली. देन इट इज टाइम टू गो होम. और ये सब करते हुए अब वो समय आ गया था जब उन्हें घर वापिस जाना था. इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में दे रिच द होम, आधे घंटे में वो अपने घर पहुंच गए. मम्मी सेल्स द पीस एंड बॉइल्स द एग. मम्मी ने क्या किया, मटर को छीला और अंडों को बॉइल किया, उबाला अंडों को. पापा चॉप्स द कैरेट रेडिश कैबेज एंड टमाटो. पापा ने क्या किया, उसके चॉप किया यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, कैरेट रेडिश और कैबेज गोभी और टमाटर भी इन सबको क्या किया, चॉप किया. दे हैव फ्रेश सैलेड एंड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट. क्या हुआ, उन्होंने क्या रखा, फ्रेश सैलेड, सैलेड बनाया जो कैरेट रेडिश और सैलेड को क्या कहते हैं, सलाद कहते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में सैलेड कहते हैं. ओके, फ्रेश सैलेड और एग्स बनाया उन्होंने सुबह के नाश्ते में. ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं, सुबह का नाश्ता. दे ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ मिल्क. और उनके पास बहुत अधिक मात्रा में दूध भी था, यानी उन्होंने अपने नाश्ते में क्या शामिल किया, दूध भी शामिल किया. ओके, योर चैप्टर इज क्लोज, यू रिवाइज दिस चैप्टर एट होम. ओके, थैंक्स.